हेलो एवरीवन, यूट्यूब पर आपने वीडियो बनाया और अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। उसमें लिखकर आ गया कि अब आप अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए अपील करिए। हमने यूट्यूब पर आपकी वीडियो चेक की तो उसमें दिखा रीयूज्ड कंटेंट, यानी कि दूसरे की वीडियो यूज करके आपने वीडियो बनाया है। लेकिन दिक्कत जब होती है, जब आपने किसी का कोई कंटेंट यूज ही नहीं किया है फिर भी आपके चैनल पर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब आपको क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्या दिक्कत आती है, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। अपील कैसे करते हैं, एक अपील करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे कर पाएंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और प्रॉपर डिटेल में जानेंगे, क्योंकि मेरे पास एक चैनल है जो कि मेरे एक मेंबर का है। हम मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं, मेंबरशिप उनको प्रोवाइड करते हैं जिनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट, रिपीटेड कंटेंट या फिर यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है जो उनको नहीं समझ में आ रही है, वो सॉल्व कराना चाहते हैं, चाहे आप हो या कोई भी हो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमारी पेड मेंबरशिप लेकर हमसे प्रॉपर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, इन केस अगर आपको समझ में कोई चीज नहीं आता तो। मेंबरशिप लेने के लिए मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अपील करते कैसे हैं। इस पर वीडियो है और प्रॉपर डिटेल में ये वीडियो है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरी देखना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम बर्बाद ना हो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां पर आ चुका हूं आपके सामने। मेरे पास एक यहां पर चैनल है जिस चैनल का नाम है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं चैनल का नाम क्या है। इस चैनल का नाम है बुंदेली कुंज। ये ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया की जो सॉन्ग होते हैं, जो मतलब अपने अपने लैंग्वेज में जिसे बोल सकते हैं कि मतलब जैसे मेरा है तो हमारे गांव का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में अगर गाना आएगा तो हम कहेंगे रीजनल सॉन्ग, वैसे इनके रीजनल सॉन्ग होते हैं, भक्ति सॉन्ग ज़्यादातर होते हैं। तो इन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, अब वीडियो इन्होंने बनाकर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, और अपील करने का एक ऑप्शन आया है। यहाँ पर देखो अर्न पर क्लिक करते हैं तो वैसे ही अपील का एक ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर अपील करने का ऑप्शन आया है। इस अपील को करना है 3 फरवरी 2023 के पहले पहले, मतलब जब आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आता है तो 15 दिन का टाइम मिलता है, 14-15 दिन का टाइम मिलता है, यहाँ पर लिखा है 14 दिन। तो 14 दिन के अंदर आपको रीअप्लाई कर देना होता है, अपील कर देना होता है, राइट। तो अपील आप करेंगे कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। अपील करने के लिए आपको एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ेगी, उस वीडियो का अपील करने के लिए आपको एक वीडियो बनानी पड़ेगी। वीडियो का जो साइज होगा वो 5 मिनट से कम होगा, यानी कि 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट तक कर सकते हो। अब वीडियो में बोलना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग के 30 सेकंड में आपको अपने वीडियो का URL अपनी वीडियो के नीचे यहाँ पर दिखा देना है, और आपको स्टार्टिंग के 30 से 50 सेकंड के अंदर अपने वीडियो को अपने चैनल के बारे में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। कैसे, आपको सबसे पहले बोलना है, डियर यूट्यूब टीम, मेरा नाम ये है, मैं यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ अपने, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ये है और मेरा चैनल का URL यहाँ पर दिख रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर जब मैंने रिव्यू किया आपकी रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी को देखकर, तो मैंने पाया कि मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपसे, जिसकी वजह से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपने रीयूज्ड कंटेंट भेजा है, और इस बात में पूरी सच्चाई हो सकती है, क्योंकि तभी आपने मुझे अपील करने का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, इसलिए आपने मुझे एक मौका और दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को मोनेटाइज कीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको सम एविडेंस आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रॉपर प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैं काम कैसे करता हूँ और क्या क्या कहाँ कहाँ से फुटेज लेता हूँ, एडिट कैसे करता हूँ, किस सॉफ्टवेयर पे करता हूँ, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उसके जब ये चीजें आप बोल लो, उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको अपने चैनल के बारे में, अपने यूट्यूब वीडियो के बारे में, अपने आपको जो जिस ऐप से वीडियो बनाते हो उस ऐप के बारे में, प्लस फुटेज भी दिखाना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देखो इन्होंने जो अपील की वीडियो बनाई है भाई साहब ने, ये मैं दिखा दूं, यहाँ पर इस लड़के ने जो जो बोला है ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इस लड़के ने प्रॉपर थंबनेल कैसे बनाता है वो बताया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है लड़का कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता है, यहाँ पर आगे आपको ये देखो वीडियो रिकॉर्ड कैसे करता है ये बताया है प्रॉपर, यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे तरीके से बताया है ये कैसे करते हैं, पूरा इन्होंने बता दिया है कि ऐसे ऐसे हम काम करते हैं। यहाँ देखो ये भाई साहब एक गाना गा रहे हैं, वो भी दिखाया कि एडिट हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर डिटेल में जानकारी बताई गई है टीम यूट्यूब को। देखिए जितना ज्यादा आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप वीडियो में बताएंगे, उतना चांस ज्यादा है कि आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज कर दे। अगर आप अपने चैनल को अपील करके एक बार में चैनल मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो आप ये काम करना जो मैंने आपको बताया है, 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या बंगाली, इन 3 लैंग्वेज में आप वीडियो बना सकते हैं।
अगर अदर किसी लैंग्वेज में बना रहे हैं तो आपको सबटाइटल डालना पड़ेगा, और आप जब वीडियो बनाए तो इस वीडियो का जो टाइटल लिखना है वो लिखना है अपील फॉर मोनेटाइजेशन यूट्यूब टीम, ये लिखना है टाइटल पर। मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ऐसे लिखना है अपील फॉर मोनेटाइजेशन डियर टीम यूट्यूब राइट। ये काम करने के बाद आप यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे, लेकिन सेव पर क्लिक करने के बाद यहां पर वीडियो की जो विजिबिलिटी है उसको आपको अनलिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड रखने के बाद यहां पर आपको क्लिक करके वीडियो का URL कॉपी कर लेना है, जो वीडियो का लिंक है उसे कॉपी कर लेना है, और देख लेना है वीडियो कितने मिनट की। यहां पर आपने देख ही लिया वीडियो इतने मिनट की है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, YouTube ने खुद बताया हुआ है, तो हमने ये कॉपी कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे इस पर अपील वाले ऑप्शन पर, तो इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं, अर्न वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। अर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट अपील पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं स्टार्ट अपील पर क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर लिखा है फिल्म योर वीडियो इन सपोर्टेड लैंग्वेज, तो सपोर्टेड लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको बताया हिंदी इंग्लिश और बंगाली, यही तीन लैंग्वेज है। अभी यहां पर आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा। यहां देखो स्टेटस मस्ट बी, इसका मतलब यह है कि अनलिस्टेड होना चाहिए और न्यू अपलोड होनी चाहिए, राइट। यहां पर देखो नरेटेड सपोर्टेड लैंग्वेज और फीचर इंग्लिश सबटाइटल देन ऑटो जनरेटेड, राइट। और यहां पर लिखा इंग्लिश हिंदी प्लस, अभी यहां पर बंगाली, ये देखो बंगाली इंग्लिश एंड हिंदी, ये तीन लैंग्वेज में आप वीडियो बना सकते हैं, और तो दूसरे कंट्री के हैं तो उस पर मैंने आपको नहीं बताया है, राइट। तो ये चीजें हैं प्लस। अभी मैं एक काम और आपको बताऊं, यहां पर देखो लिखा इंक्लूड योर URL विद इन फर्स्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आपको बताना है, राइट। ये सारी चीजें मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज हो जाए, आप अच्छे तरीके से अर्न कर पाए। तो अब हम एक काम करेंगे कि आपकी लास्ट वीडियो होनी चाहिए जो आप अपलोड कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी यहां पर अपील की दो वीडियो थी, तो अब इस अपील वाली वीडियो को मैं एक्सेप्ट करूंगा, ये वाली वीडियो का URL कॉपी करूंगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अपील फॉर मोनेटाइजेशन यूट्यूब टीम, यहां पर मैंने लिख दिया, राइट, ये लिखा अपील फॉर मोनेटाइजेशन टीम यूट्यूब या यूट्यूब टीम, ऐसे लिखकर सेव कर दिया। अब उसके बाद ये करने के बाद अब मैं यहां पर कॉपी कर लूंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो जरूर पूरी वीडियो देखना। यहां पर अब आगे हम बढ़ेंगे, इसको हम अर्न पर क्लिक करेंगे। अर्न पर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जो वीडियो बनाओगे वही अपील की वीडियो होनी चाहिए, मतलब कि उसके बाद आपको वीडियो नहीं अपलोड करना है जब तक आप अपील ना कर दें, राइट। यहां पर लिखा हुआ था, मैंने अभी आपको बता दिया है। अब स्टार्ट अपील पर क्लिक करेंगे, यहां पर URL पेस्ट करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उम्मीद पूरी रहेगी। यहां पर हमने अपील कर दिया है, अपील करने के बाद अब हम वेट करेंगे। यहां पर लिखा 14 दिन के अंदर हम आपका फीडबैक बता देंगे, तो अब हम अपील की इंतजार करेंगे और देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आपको मैंने बताया था कि मेंबरशिप कैसे लेते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मेंबरशिप लेने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, इंस्टाग्राम की आईडी सामने दिख रही है, दो आईडी है मेरी, टेक्निकल अंडरस्कोर प्रभाकर, एक दूसरी है टेक्निकल अंडरस्कोर प्रभाकर अंडरस्कोर ऑफिशियल। जब भी आप मेंबरशिप ले रहे हो तो वीडियो कॉल के लिए आप बोलिए कि सर वीडियो कॉल करिए, जब मैं दिख जाऊं प्रॉपर मेरी आवाज आ जाए तब आप मुझे पेमेंट करें, और उसके बाद ही आप आईडी पासवर्ड शेयर करें। वैसे तो मैं आईडी पासवर्ड बहुत कम लेता हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो भी लेता हूं, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। आप ध्यान रखें और अपना यूट्यूब पर अच्छे से काम करें, और आने वाले दिनों में आप यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।